हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। कितना नंबर होगा तनु, सर बोलो सिक्सटी तनु। वन हो गया, सिक्सटी अगला वन, टाइप सेवन कितना, सिक्सटी अच्छा ठीक है, कितना नंबर होगा टू सपना, अगला सर जो है वन सब। सिक्सटी टू सर वन सिक्सटी टू ट्राइनोमियल विथ ट्राइनोमियल है फिर अच्छा उसके बाद। ट्राइनोम, अच्छा ट्राइनोमियल विथ ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। हाँ बाबू मल्टीप्लीकेशन, बाबू मल्टीप्लीकेशन, बाबू ट्राइनोमियल, गुड इवनिंग सर। ट्राइनोमियल बाबू विथ ट्राइनोमियल। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू, लेट से आते बाबू। सर मोबाइल चार्ज नहीं था। आ रहा है, वीडियो ऑन कीजिए बाबू। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल पढ़ेंगे। जैसे क्या सर, एग्जांपल नंबर कितना, 152 होगा। यस सर 162, यस सर 162। देखो एक्स प्लस वाई प्लस टू है ट्राइनोमियल बाबू, और मल्टीप्लाई बाबू मान लो यही है बाबू, एक्स प्लस वाई प्लस टू है, तो ये क्या हो गया, वो ट्राइनोमियल हो गया। शांति से समझना, किस क्लास का बाबू, वही बाबू हर दिन की भांति इस दिन भी बाबू, एल के जी वाला, ये तीन टर्म है ना सर, एक दो तीन, तो ट्राइनोमियल हो गया। ठीक, बीच में नहीं कुछ है तो मम्मी क्या पढ़ाई है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई है, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ कितना टर्म है, एक दो तीन टर्म है, तो कितना हो गया, तीन टर्म हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। हाँ तो ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल होगा। इसी को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, है ना, देखिए बाबू कैसे करेंगे, वही बाबू जैसे बचपन से करते आ रहे हैं बाबू, है ना, जब हम लोग इतनी साथ होते हैं उसी तरह करेंगे। पहले एक्स वाला, शांति समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहला एक्स उठा, इस एक्स को ये तीनों टर्म के साथ करना, तीनों टर्म के साथ करना, एक्स प्लस वाई प्लस टू। ठीक, ये वाई उठा, प्लस वाई हो गया, इस वाई को ये तीनों टर्म के साथ करना, एक्स प्लस वाई प्लस टू। यहां से टू उठा, तो इस टू को ये तीनों टर्म के साथ करना, बस कुछ नहीं करना, एक्स प्लस वाई प्लस टू। ये सब सारा का सारा एल के जी यू के जी मतलब वन क्लास का लगभग है ना बाबू, कोई ज्यादा टफ चीज तो है ना बाबू, इसको बोला पढ़ाता नहीं, खाली फीस लूटता है बाबू। अब ये बाबू आपको नहीं है इनका मल्टीप्लिकेशन, सूर्य से बता रहे हैं बाबू, 162 क्वेश्चन सूर्य से बता रहे हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, प्लस एक्स को बाई के साथ करेंगे, प्लस एक्स को टू के साथ करेंगे, तो टू एक्स हो जाएगा। अरे शैतान, एक्स को एक्स के साथ किया, एक्स को बाई के साथ किया, एक्स को टू के साथ किया, हर एक टर्म को करो मल्टीप्लाई, है ना, हर एक टर्म को करो। यहाँ बाबू बाई को एक्स के साथ करेंगे, फिर बाई को किसके साथ, बाई के साथ करोगे, बाई मल्टीप्लाई बाई करोगे, फिर बाई को किसके साथ, टू के साथ, तो टू बाई हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, फिर क्या करेंगे, टू को एक्स के साथ करेंगे, टू एक्स हो गया, टू को बाई के साथ करें, टू बाई हो गया, टू को टू के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, टू टू हो जाएगा, टू को टू के साथ करें, टू टू हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू सर लिखना है नहीं, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बचपन से, एक्स स्क्वायर, अच्छा ठीक है, यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई रहने देते हैं, प्लस टू एक्स हो गया, ये बाई एक्स है, तो बाई एक्स को हम लोग क्या, एक्स वाई नहीं लिख सकते, एक्स वाई ठीक हो, बाई मल्टीप्लाई बाई कितना, बाई मल्टीप्लाई बाई कितना होता है सर, बाई स्क्वायर होता है, यहाँ से टू बाई हो गया सर, या टू एक्स हो गया सर, और ये टू बाई हो गया सर, टू टू कितना होगा, फोर होगा। इसमें देखो जो एक जैसा टर्म है उसको ऐड करो, तो एक जैसा टर्म, अच्छा ठीक है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, और नहीं कहीं है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना होगा, टू एक्स वाई। सर इधर एक और टू एक्स भी है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड बाबू, देखो तो मेरी बच्ची सब तेज हो गई है, ये टू एक्स है, वो यहाँ टू एक्स है ना बाबू। हाँ वेरी गुड बाबू, ये टू एक्स कितना हो जाएगा सर, फोर एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट वाला, हाँ एगो यहाँ टू बाई भी है सर, यहाँ टू बाई भी है,
यहाँ वाला बाबू क्या टू बाई है, यहाँ भी टू बाई है, तो टू बाई कितना सर, फोर बाई, फोर बाई है ना। तो देखो ई वाला टर्म भी हमने यूज कर लिया सर, ई भी यूज कर लिया, ई भी यूज कर, बाई स्क्वायर नहीं ना यूज किया, तो प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू एक्स हो गया प्लस फोर, तो इसको मल्टीप्लाई कर। अभी ये बाबू इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म रहता तो हम लोग फर्दर ऐड करते, कोई लाइक टर्म नहीं है, यही वो तो अपन लोग इसी में ऐड कर लेते ऊपर, लेकिन अब इसमें कोई फर्दर नहीं। लिखिए 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 बाबू, समझा संकल्प, ये संकल्प आपके डर से बाबू मिस्टी नहीं आती है क्लास करने के लिए, बताइए बाबू। Yes, sir. हाँ लिखिए क्या है, क्या बोलते हैं, क्या हुआ तनु, सर आप सेकंड लाइन में डायरेक्टली लिखिए। हाँ बाबू लिखिए लिखिए लिखिए, अरे संकल्प की सिस्टर है बाबू सर, उसको मिस्टी को शर्म लगता है, संकल्प अभी थ्री में पढ़ रहा है, मिस्टी एट में पढ़ रहा है, दोनों एक ही चीज पढ़ रहा है, हाँ दोनों एक ही चीज पढ़ रहे, इसलिए उसको शर्म लगता है, हम एट में जाके सीख रहे हैं। क्या घूम रही है चिया, नहीं घूम रही तो, नहीं घूम रही तो ऊपर क्या देख रही, लिख ली शैतान, लिखिए Yes. समझी थोड़ा सा राजनंदनी। मल्टी कलर में लिखा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, अभी इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आपने वो होमवर्क दिया था कि रिवाइज करके पेन क्वेश्चन परसों मंथली टेस्ट है ना। हाँ बाबू सारा वीडियो ऑन के, हाँ बाबू संकल्प बोलिए, अपन तीनों टर्म अलग अलग है अगर उनमें डिजिट चेंज रहेगा तो क्या करेंगे, अच्छी करेंगे और क्या करेंगे, बता रहे हैं बता रहे हैं, परसों तो मैं टेस्ट कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसी करें बता रहे हैं सर, तो परसों मैं टेस्ट ही नहीं कर पाऊंगी, कहाँ नहीं दे पाओगे, कहाँ जाओगे सर, क्योंकि हम लोग की ट्रेन, हम लोग जा रहे थे कोटा से परसों, तो हम लोग की इतने ही बजे की ट्रेन है सर, तो नहीं हो पाएगा, एक्स वाई जेड नहीं है बाबू, कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं, एक्स वाई टू है सर, टू है सर, डन, अच्छा ठीक है, अभी कोटा पहुंची हुई थी या सर, पहुंची नहीं, अभी 6 तारीख को जिस दिन टेस्ट है उसी दिन जाना है, और जब जिस समय की क्लास होती है सर उतने ही बजे की ट्रेन है सर, तो जा मतलब ट्रेन में चढ़ रहे होंगे सर थोड़ा सा, तो ट्रेन में चढ़ के ज्वाइन कर लूंगी सर। हाँ बाबू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखे वो जल्दी से, अरे वीडियो ऑन करो बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, रुक जाइए सर, सर मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूँ सर, थोड़ा सा रुक जाइए, डन सर, सर थोड़ा सा रुक जाइए, अरे शैतान जल्दी से लिखो, एक मिनट सर, माय वर्क इज डन सर, सर अभी मत इरेज कीजिएगा, क्या कर रहा था संकल्प बाबू, ये वो क्वेश्चन में 1 घंटा लगाएगा, तेजी से लिखिए, अरे बाबू 8:30 से 9:30 काहे नहीं आता क्लास बाबू, अरे 8:30 से 9:30 क्यों नहीं आते बाबू, उसमें एकदम बेसिक्स है बाबू, ये टाइम एडिशन वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, आज अटेंड करना बाबू नहीं तो कूटेंगे, ठीक है ना, इसमें भी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा, समझे बाबू, हम पढ़ा रहे तुमको, इसमें आ रहा अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा, आपको 8:30 से 9:30 आना बाबू, मम्मी से बात करते आपके, ठीक है ना,
163 नंबर। सर साइड में देखो 160 में क्या, देखो अगर ए रहे और प्लस बी रहे और प्लस सी रहे और मल्टीप्लाई करना का है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, समझना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरह करेंगे बाबू, इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों टर्म के साथ। तो ए प्लस बी प्लस सी, इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों टर्म के साथ, ए प्लस बी प्लस सी, इस सी को मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों टर्म के साथ, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए को किसके साथ करेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, ठीक, ए को मल्टीप्लाई ए के साथ, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ। नेक्स्ट बाबू, फिर बी को ए के साथ, बी है ना बाबू, ये बी है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना, तो बी मल्टीप्लाई ए, बी को किसके साथ, बी के साथ, बी मल्टीप्लाई बी, बी को किसके साथ, सी के साथ, तो बी मल्टीप्लाई सी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, सी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, ए के साथ, प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए, प्लस सी मल्टीप्लाई को बी के साथ, प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी। अब बाबू मल्टीप्लाई करके लिखो सर, ए इनटू ए ए स्क्वायर, ये आपका एगो फार्मूला बनता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहीं से बनता है। यस सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ए इंटू ए कितना, ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस ए सी प्लस बी ए, बी ए बी ए, तो बी ए को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बी सी, अच्छा ठीक है, तनु चुप रहे, ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है ठीक है, आज तनु चुप रहे, सी ए है तो सी ए को क्या लिखो, ए सी लिख दो, सी बी है तो सी बी को बी सी लिख दो, और सी सी है तो सी सी को सी स्क्वायर लिख दो। देखो इसको क्या करो सर, ए स्क्वायर बहुत सारे है, अरे सदन संतरे ना सर, ए सी या फिर सी ए बी, ए बी प्लस सर, ए सी या फिर सी ए भी हो सकता है ना, हाँ बाबू ए सी सी ए दोनों हो सकता है, लेकिन बाबू हम लोग कोशिश करना जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसी के अनुसार लिखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है उसके बाद सी आता है, तो इसी के अनुसार लिखना। एक्स बाई जेड में हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले एक्स लिखेंगे, बाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे, अल्फाबेट में एक्स पहले ना आता है, दोनों ही सर सही हो सकता है ना, जैसे कि सर ए स्क्वायर हो और सर जैसे कि सर बी ए हो तो भी सही ही होगा ना सर, सही होता है, शैतान बिना फेना लबड़ी के जिंदा नहीं रहता, लेकिन लगाता तो सुंदर होता है कि ना होता है, वही बात है सर, इस पहले लिख देंगे प्लस, अच्छा ठीक है, शांत रहे, देखे सब्जी मत भे, बहुत पिटेंगे तन्नु, नहीं तो फिर क्वेश्चन बाहर ही टफ कर देंगे। ए बी यहाँ पे जितना कर रहे उतना सुनो, ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, तो ए बी ए बी टू ए बी हो गया, शांति से समझना, अल्लाह खाली कर, ए सी यहाँ पे है, ए सी यहाँ पे है, तो ए सी ए सी कितना, टू ए सी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, बी स्क्वायर है, बी सी यहाँ है, बी सी यहाँ, तो बी सी बी सी टू बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा फैशन में लिखो सजा के, ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी को एक साथ लिख ले, स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, टू ए बी, ए बी के बाद क्या आएगा, बी सी आएगा, तो पहले बी सी को लिख लो, टू बी सी प्लस टू सी ए, मतलब इसको अरेंज कियो। देखो बाबू जब भी बाबू आप लोग को वेरिएबल लिखो ना, शांति से सुनना, ये तो कूट देंगे पकड़ के, जैसे बाबू एक्स है, बाई है, जेड है,
तो आप इसको कैसे लिखने की कोशिश करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता तो पहले एक्स आता तो एक्स लिखो, बाई आता है बाई लिखो एक्स बाई, है ना। जैसे बाबू मान लो पी है, एल है और एम है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको पहले लिखना, पहले आएगा एम पहले आएगा उसके बाद पी, एल एम पी लिखना, है ना। अच्छा लगता है, प्रोनाउंसिएशन करने में ठीक होता है, तो इसीलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए बी, ए बी के बाद बी सी, बी सी के बाद सी, है ना। सारे पैटर्न बन गया एक तरीके से। हाँ बाबू, हाँ बाबू, तो इसीलिए वो आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर तू इसी तरह तू ए डी होता सर तो तू एकदम पैटर्न ही बन जाता। ए प्लस, हमने क्या लिखा, ए प्लस बी प्लस, अरे शैतान, हमने क्या लिखा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई दिए, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते बाबू। इसको ए प्लस बी प्लस सी है, कोई भी टर्म दो बार मल्टीप्लाई, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये टर्म, ये टर्म, सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई है, तो पावर पावर सेम है सर। ये ए बी, ए प्लस बी प्लस सी भी लिखना होगा, देयरफॉर जो आप दिए हैं। हाँ बाबू, तो हम लोग क्या लिखे बाबू, ए प्लस बी प्लस सी के पावर वन, ए प्लस बी प्लस सी के पावर वन कितना हो जाएगा, वन प्लस वन पावर टू, है ना। तो इसलिए बाबू, देयरफॉर बाबू, ए प्लस बी प्लस सी के जो होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, हाँ ये फार्मूला हो सर, वो लिखना पड़ेगा। हाँ लिखे, ये फार्मूला हो गया, ए प्लस बी प्लस, हाँ बाबू सर, आपने उसके ऊपर जो लिखा दिया फॉर करके वो भी लिखना है। हाँ वो भी लिखना, जो बोर्ड पे लिखा हो सारा लिखना, लिखे लिखे बाबू। नहीं समझ में आ रहा रौनक, रौनक समझ में नहीं आ रहा बाबू? यस सर आ रहा सर, हम लोग को भी बॉक्स बनाना होगा। हाँ बाबू, बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स में बंद कीजिए बाबू, फार्मूला है। बाबू आप लोग का डबल सिस्टम क्यों ऑन है बाबू? लिखे ना, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। डांसर सर, किसी का माइक कौन है, आवाज बाबू म्यूट कीजिए बाबू। सर म्यूट ऑल कर दीजिए अपना। लिखे बाबू, लिखे, जल्दी लिखे बाबू। ये नोकिया कौन है बाबू? नोकिया 1130। अगस्तिया वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सर रीनेम कैसे हो गया? सर रीनेम हो गया। चलिए बाबू हम लोग आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। सर रुक जाइए 2 मिनट। फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 मिनट।
डर जल्दी लिखे बाबू डर लग गया सर सर रिकॉर्डेड देख लेंगे सर वो लोग नेक्स्ट बाबू 164 नंबर अगर बाबू 2x प्लस 2y और प्लस 3z है और मल्टीप्लाई बाबू मान लो 4x बाबू प्लस 5y बाबू और प्लस कितना बाबू 4z हो गया। देखो कैसे करना, जितना भी पॉसिबल कैसे होगा हम लोग अभी आज हम लोग सिर्फ प्लस वाला कर लेते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन क्या करेंगे प्लस वाला करेंगे ना, फिर माइनस वाला कर लेंगे ठीक। उसके बाद हम लोग किस में एंट्री करेंगे बाबू है ना, उसके बाद हम लोग ये डिवीजन में एंट्री करेंगे। इतना क्वेश्चन आप लोग बना लो बाबू, फिर किसी भी बुक से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बाबू, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे बड़े वाले टर्म के साथ, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4x प्लस 5y प्लस 4z। इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू ये तीनों टर्म के साथ प्लस बाबू, 2y को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4x प्लस 5y प्लस 4z। फिर 3z को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 5y और प्लस 4z ठीक। ठीक बाबू, इतना अगर कर लिया कुछ नहीं करना, वो जो बचपन में सिखाया ना बाबू एक महीना से वही करना और कुछ नहीं करना। यहाँ 2x को मल्टीप्लाई किसके साथ करना, 4x के साथ, इसको x के साथ करो ठीक। तो 2x को मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, 4x के साथ ठीक। फिर 2x को किसके साथ करोगे, 5y के साथ, तो 2x मल्टीप्लाई 5y। फिर 2x को किसके साथ, 4z के साथ, तो 2x मल्टीप्लाई 4z। बस कुछ नहीं करना, कुछ थोड़ी करना बाबू इसमें। नेक्स्ट बाबू, 2y को 4x के साथ मल्टीप्लाई कर, 2y मल्टीप्लाई कितना, 4x। 2y को किसके साथ, 2y को मल्टीप्लाई करना 5y के साथ, 2y 5y के साथ करना, 2y को मल्टीप्लाई करना 4z के साथ। नेक्स्ट बाबू, एक टर्म और बच गया, 3z को मल्टीप्लाई करना 4x के साथ, 3z को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 3z को 4x के साथ, प्लस 3z को मल्टीप्लाई करना है 5y के साथ, और प्लस 3z को मल्टीप्लाई करना 4z के साथ, यही तो करना है ना। प्लस नहीं दिया सर 2y के बाद, 2y 4z यहाँ प्लस दे दो ठीक। नेक्स्ट बाबू, शैतान कौन है, आ रहा जा रहा है, आयुष आ जा रहा है। नेक्स्ट बाबू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो 2 × 4, नंबर को नंबर के साथ वेरिएबल को वेरिएबल करते, 2 × 4 कितना 8 हो गया, x × x कितना x² हो गया, प्लस 2 × 5 कितना 10, और x × y कितना x/y, 2 × 4 कितना 8, x × z कितना x/z, प्लस ठीक 2 × 4 कितना 8, y × x/x, तो x/y लिख दो, 2 × 5 10, y × y कितना y², 2 × 4 कितना 8, y × z/z, इतना हो गया। ब्लू ब्लैक वाला ब्लैक हो गया, ब्लू वाला ब्लू हो गया, रेड वाला रेड करते हैं। 3 × 4 कितना 12, z x हो गया,
तो जेड एक्स को हम लोग एक्स जेड लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आपको बताए वो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जेड एक्स का अच्छा लगता है हमको, एक्स जेड लगता है, पहले एक्स आता है उसके बाद जेड आता है। थ्री मल्टीप्लाई फाइव कितना, फिफ्टीन। जेड मल्टीप्लाई बाई तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई जेड लिखेंगे। थ्री मल्टीप्लाई फोर कितना, ट्वेल्व। जेड जेड कितना, जेड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। इसमें देखो जो एक जैसा है उसको एक साथ लिखो, एट एक्स स्क्वायर। आसान है, इसे बाबू खाली डराने वाला काम है, डराने वाला काम है, एट एक्स स्क्वायर। और देखो बाबू एक्स वाई वाला टर्म कहाँ है सर, एक यहाँ है सर, एक यहाँ सर, एट एक्स स्क्वायर। हाँ तो टेन प्लस एट एटीन हो जाएगा, एटीन एटीन हो जाएगा, एक्स बाय एट एक्स जेड। यहाँ एक्स जेड और कहीं है सर, एक लास्ट में होगा कहीं, ट्वेल्व 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 ट्वेल्व, तो ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी ट्वेंटी एक्स जेड। जो जो होगा उसको टिक मारते चलना ताकि टर्म छूटे नहीं, जो जो होगा सर टेन फिर सर वाई जेड। ठीक ठीक है, ठीक है शांत रहे। यहाँ टेन बाई स्क्वायर है तो इसको एक बार लिख लेते, टेन बाई स्क्वायर। फिर यहाँ बाई जेड है, और बाई जेड है सर, और यहाँ बाई जेड फिफ्टीन है, यहाँ पे फिफ्टीन है, तो एट प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री हो जाएगा, बाई जेड हो गया। फिर जेड स्क्वायर, फिर लास्ट में बच गया ट्वेल्व जेड स्क्वायर हो गया सर, मेरा सही है। अच्छा ठीक है, इसको लिखोगे अरेंज करके तो थोड़ा अरेंज कर लो। पहले एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बोला, एक एक्स स्क्वायर प्लस टेन बाई स्क्वायर और प्लस ट्वेल्व जेड स्क्वायर। सर असेंडिंग ऑर्डर में बाबू, एक्स आ गया, बाई आ गया, जेड आ गया, एटीन हो गया एक्स बाई बाबू, एक्स बाई के बाद एक्स जेड, एक्स बाई के बाद बाई जेड लिखो, ट्वेंटी थ्री बाई जेड और प्लस ट्वेंटी एक्स जेड। ठीक, तो ये आपके आंसर हो गए। कितना बड़ा है सर, लेकिन कुछ नहीं है, खाली डराने वाला काम होता है, समझी चिया? ये सर समझी, मैं नोट कर रही थी। समझा पियो? सर कुछ सॉल्व कर सर, आई हैव डन सर, मैं खुद से बना रही थी और मेरा सही भी है सर। मेरा सब आपको ऐसे बोल रहा सर, सब देख देख के उतार रहा था। हाँ बाबू सब झूठ बोल रहा, ठीक है सत्यम, आप बनाइए बाबू सत्यम। नो सर, हम सही अच्छी बात है, टेस्ट लेंगे तब पता चलेगा कितना सही बना। सर मैं भी कुछ बनाया। हाँ आपने 23 को पीछे लिखना था ना, 20 लेकर नहीं जा रही है। अच्छा ठीक है, अरे बाबू पहले एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख लो। थोड़ा सा डीआईवाई अभी दे दीजिए, थोड़ा बात है पीछे का। पढ़े बाबू, इसमें बहुत सारा टाइप करवाना। सर आप डिवीजन कब स्टार्ट करेंगे सर, हो ही नहीं रहा मल्टीप्लिकेशन खत्म। तो खत्म बाबू, जितना टॉपिक है सारा हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल की तरह थोड़ी बाबू की एगो एक्सरसाइज बता के छोड़ दिए हैं। सर वो वहाँ पर जेड लिखे सर, 2x फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वहाँ पर सर सबसे लास्ट में जहाँ पर रेड कलर वाला, रेड कलर वाला वो रेड कलर वाला सत्यम। नो सर वो पूरा ब्लू, नो सर जो आप पूरा ब्लू से लिखे हैं पूरा, यहाँ फोर जेड है, ये फोर जेड है। यस सर, आ रहा है आपको 8:30 बजे अटेंड क्लास करना बाबू। ये बाबू कौन ऐसे कर रहा है, बहुत पीटेंगे सर। सब लोग बैच एफ वाले ग्रुप में क्यों भेजते अपना होमवर्क वो टाइम वाला सर, बैच एफ वाले सर सब ग्रुप में भेजते वो अपना होमवर्क जो आप देते हैं कर। अरे बच्चे बाबू सारा ग्रुप है, सारे बैच का एक ही ग्रुप है बाबू, अभी स्टूडेंट हो जाएगा तो सबका ग्रुप अलग कर देंगे, बैच ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, सारा का अलग। बैच एफ का भी अटेंडेंस और वीकली टेस्ट होता है जी, उसका नहीं अभी लेते, उसमें भी बच्चा नहीं बाबू है ना, उसमें भी बच्चा नहीं है सर, अभी उन पे प्रेशर नहीं डालना चाहती। हाँ अभी उस सब का प्रेशर नहीं बाबू, तो आपने तो उत्तर मिला था वीकली टेस्ट।
अरे प्राइज वाला नहीं लेते, मंथली नहीं लेते, वीकली लेते। ये सब पे शैतान का बहुत ध्यान रहता है, पढ़ाई नहीं करोगे तो ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। सर आप उसमें भी साइन वगैरह बता रहे हैं? हाँ बाबू, सैटरडे को बाबू। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू, क्या कर रही हो राधिया? सर जैसे आपने ये मेरे को समझाया सर समझ आ गया, अब जितना मेरा छूट गया एग्जाम की वजह से सर अब मैं वो कैसे कवर करूं? वीडियो देखिए बाबू, वीडियो अवेलेबल है, नेट पर मिल जाएगा तो बताइए। यस सर देखती हूं वीडियो देखता हूं। सर मैं अभी आपको अभी रात में सर एक दो फोटो भेज दूंगी टॉपिक से रिलेटेड लाइन एंड एंगल की, सर आप वो बता दीजिएगा कल दिन में आप। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। सर सेवेंथ में लाइन और एंगल्स पहली बार आया, उसके बाद सर फिर आता था। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है बाबू जी। हां नेक्स्ट बाबू 165 नंबर, 165 नंबर देखो क्या करना। 165 उसके नीचे मत दीजिएगा, जेड के पावर 2 है वो, सारे जगह जेड है, जेड के पावर 2 है। डन सर? नॉट डन सर, चाहिए बहुत पिटेगी सब, शैतान मन से लिखता नहीं है। म्यूट करो ना, किसका नहीं म्यूट है बाबू, फैन का आवाज आता है। 165 होगा। हाँ बाबू 165 बाबू लिख रहे हैं बाबू। देखो 165 में हम लोग क्या करेंगे सर, अगस्त्या को आने से। अगस्त्या म्यूट करो बाबू, x स्क्वायर बाय z स्क्वायर है, अब मल्टीप्लाई करने का रहा बाबू, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक, इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे तो उसी तरह करना बाबू, यहाँ से पहला टर्म को उठाएंगे बाबू, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट बंद, फिर बाई स्क्वायर को उठाएंगे बाबू, बाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर उठा बाबू, जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब बारी बारी से सारे को मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में जोड़ के आंसर लिख दो, कुछ करना थोड़ी रहता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्या करना, देखो क्या करना, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर को किसके साथ, बाई स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर को किसके साथ, जेड स्क्वायर के साथ, तो एस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर, तो बीच में मल्टीप्लाई सिंबल दो, चाहे नहीं दो, देना है तो दो, रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बाई वाला करो, फिर हम लोग क्या करेंगे, बाई वाला करेंगे, तो प्लस बाई स्क्वायर को किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस बाई स्क्वायर को किसके साथ, बाई स्क्वायर के साथ। ठीक, प्लस बाई स्क्वायर को किसके साथ, जेड स्क्वायर के साथ, ये हो गया, फिर जेड वाला करो, फिर किसके साथ करो, जेड वाला करो, जेड वाला करो, जेड वाला करो, तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के बीच में दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते है ना, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, दे दो छूट गया, जहां जहां छूट गया वहां दे दो। नेक्स्ट बाबू, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई, एक्स तक बना लिए हैं।
एक्स स्क्वायर क्या पढ़ा है, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा तो एक्स के पावर फोर, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया, ये एक्स जेड है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले एक्स के लिखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, बाई एक्स में पहले कौन आएगा एक्स आएगा तो पहले एक्स लिखना उसके बाद बाई लिखना, बाई स्क्वायर तो बाई बेस सेम है ना, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा बाई रेज टू दी पावर फोर, बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो बाई जेड में बाई पहले आता है तो बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, आई कितना हो गया बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा और जेड रेज टू दी पावर फोर हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जो एक जैसा है उसको एक साथ लिखो, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है और कहीं है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एगो यहाँ है सर एगो यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दो दो टर्म है दोनों सेम है तो टू हो जाएगा, ला एडिशन बताया ना बाबू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, और कहीं है सर ई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और कहीं है सर, यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, और कहीं है सर यहाँ बाई के पावर फोर है तो बाई के पावर फोर हो गया, यहाँ बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो यहाँ हो गया ये बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ हो गया तो कितना हो गया टू हो गया बाई स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर हो गया, अब प्लस जेड के पावर कितना हो गया फोर हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका रिजल्ट आएगा, फैशन में लिखना है तो पहले एक्स पावर फोर बाई के पावर फोर लिखो, एक्स के पावर फोर प्लस बाई के, हाँ बाबू बाई के पावर फोर प्लस जेड के पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस टू बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, सर लिखना है, हाँ लिखे बाबू लिखे, यार आप वीडियो का बंद है बाबू, वैसे सर मल्टीप्लाई वाला सर ऑप्शनल है क्या, यानी कि जो एक्स स्क्वायर और सर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर सर उसके बाद वाला जो लाइन है, आप बहु ऑप्शनल यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो सर, यानी कि ये ऑप्शनल है ये लाइन, हाँ बाबू ओके सर, आयुष एगो गया कौन बाबू, चिया गई, चिया शैतानु मन से पढ़ती नहीं आधा क्लास में भाग जाती है, पीयूष समझा बाबू, पीयूष समझा बाबू कि नहीं समझा, शैतान अभी सवा आठ हुआ अभी एक क्वेश्चन और होगा, डांस जल्दी लिखे हो जल्दी लिखिए, डांस डांस जल्दी लिखो जल्दी लिखिए, पॉलीनोमियल नाम का एक चैप्टर होता है ना सर, आज हमारा तो फैक्टर स्टार्ट किया है, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, हाँ बाबू वही सब है बाबू, ठीक है ना वो सब आपको पढ़ा दिए सर, बहुत पहले सर डीआईवाई दे दीजिएगा, हाँ सर अच्छा ठीक है दिया गया सर, रुक जाइए पहले
सर फिर दीजिएगा डीआईवाई रुक जाइए 166 नंबर हाँ सर 166 नंबर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाबू 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर सर होमवर्क कब सॉरी सर फिर कब चेक करेंगे हो गया पूरा बना ली बाबू हाँ सर बना ली एक क्यू बी क्यू सी क्यू सर मैं भी बना लिया अच्छी बात है सर मैं तो बना के रखी हूँ अभी ये मेरा दूसरा नोटबुक चल रहा है नोटबुक वेरी गुड बाबू एक्स फोर प्लस बाई फोर प्लस जेड फोर मल्टीप्लाई एक्स फोर प्लस बाई फोर प्लस जेड फोर सर चार दीजिएगा बस अच्छा चार दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 सर आप जब बोले थे ना पहले पिछले पहले तो हम पूरा कंप्लीट कर लिए थे उस पे घर अभी चेक करेंगे तो कोई नहीं दिखाएगा सर आई हैव डन डीआईवाई को मिला आई हैव डीआईवाई को मिला के बना लिया बाबू कब एग्जाम कब तक है बाबू अब मन से कहाँ नहीं पढ़ता सत्याम डन सर बाय सर ए बाय सैतान सत्यम बाबू सर बाय